हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं शेयर कर रही हूँ चॉकलेट ट्रफल केक की रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रफल सॉस तैयार करेंगे। एक पैन में हम एक कटोरी अमूल फ्रेश क्रीम डालेंगे। लो फ्लेम पे गरम होने देंगे। इसमें डालेंगे एक कटोरी डार्क चॉकलेट और एक कटोरी मिल्क चॉकलेट। ट्रफल सॉस के लिए हम 1:2 का रेशियो रखेंगे, इसका मतलब 2 कटोरी चॉकलेट और 1 कटोरी क्रीम। इसे हमें लो फ्लेम पे मेल्ट करना है। इसमें चाहे तो हम बटर भी मिक्स कर सकते हैं और सिर्फ डार्क चॉकलेट से भी ट्रफल सॉस तैयार कर सकते हैं। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। हम थोड़े से वॉलनट्स को रोस्ट कर लेंगे। केक बनाने के लिए चॉकलेट स्पॉन्ज को हम 3 लेयर्स में काट लेंगे। स्पॉन्ज को आप थ्रेड की हेल्प से या डायरेक्ट ब्रेड नाइफ से भी काट सकते हैं। थ्रेड से ये बहुत ही आसानी से कट जाता है और लेयर्स भी बिल्कुल बराबर कटते हैं। मैं यहाँ थ्रेड की मदद से काट रही हूँ, ये देखिए। अब हम 1 कटोरी मिल्क में पाउडर शुगर मिलाएंगे। एक चम्मच कॉफ़ी, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम केक बोर्ड पे थोड़ा सा ट्रफल सॉस लगाएंगे। इस पे हम अपनी स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर को रखेंगे और मिल्क और कॉफी के मिक्सचर से अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। हम इसके ऊपर 2 से 3 बड़े चम्मच ट्रफल सॉस डाल देंगे और इसे पैलेट नाइफ की मदद से चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। ऊपर हम चॉप्ड वॉलनट्स डालेंगे। हमारा फर्स्ट लेयर रेडी हो गया है। अब हम इस पे केक का दूसरा लेयर रखेंगे। इसे भी हम मिल्क और कॉफ़ी के सिरप से सोक कर लेंगे। चॉकलेट केक को हमें थोड़ा ज़्यादा सोक करना होता है क्योंकि कोको पाउडर लिक्विड को अब्सॉर्ब करता है। फिर से हम इस पे ट्रफल सॉस डालेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे।
को सोक करने से केक मॉइस्ट और सॉफ्ट बना रहता है। अब हम चॉकलेट सॉस को चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। पूरे केक को हम चॉकलेट सॉस से कवर कर देंगे इस तरह से। इस तरह से कवर करने के बाद केक को हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसके बाद हम केक को डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। केक को डेकोरेट करने के लिए केक के साइड्स पर मैं केक के क्रम्स को चिपका रही हूँ पैलेट नाइफ की मदद से। इसकी साइड्स पे मैं शेल्स के डिज़ाइन डाल रही हूँ। के ऊपर हम कुछ फ्लावर्स बनाएंगे नॉजल की मदद से। इसके ऊपर हम बटरफ्लाई को रख देंगे। कुछ बबल रैप से बनाए हुए डिजाइंस भी हम केक में डेकोरेट करेंगे। इसके ऊपर हम 2 ओरियो चॉकलेट बिस्किट डालेंगे और बटरफ्लाई के ऊपर थोड़े से कलरफुल स्प्रिंकलर डालेंगे जिससे बटरफ्लाई और भी सुंदर दिखेंगी। चॉकलेट ट्रफल केक बनकर तैयार है।